हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र सिंह फ्रॉम SBS पॉलिटेक्निकल पट्टी। इसलिए हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है, वर्कशॉप का है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है ग्राइंडिंग। पिछली बार में हमने पढ़ा था कि ग्राइंडिंग क्या काम करता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ग्राइंडिंग क्या काम करता है, उसके बारे में हमने पढ़ा, उसकी टाइप पढ़ी थी, ठीक है। उसकी टाइप से आगे उसके बाद में आ जाएगी हमारे पास, सबसे पहले है जो हमारी जो तीन टाइप थी ना, सबसे पहले बेंच ग्राइंडर था। बेंच ग्राइंडर, बेंच ग्राइंडर, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे मशीन शॉप में आप जाते हो, ठीक है, उसमें आप लेथ के ऊपर जब हम टूल को शार्प करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जैसे हम कोई भी हम चीज़र होती है ना, जो कैंची होती है, उसको काटने के लिए हम लेकर जाते हैं ना, बाहर से लगाने के लिए, तीखा करने के लिए, उसको शार्प करने के लिए, वो किसके ऊपर करते हैं, बेंच ग्राइंडर के ऊपर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास है, जो हमारे पास है पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन। ये क्या करता है पोर्टेबल या जो ग्राइंडिंग मशीन है, ये क्या करता है, इसको हम किसी भी जगह पे ऊपर लेकर जा सकते हैं। पोर्टेबल को किसी भी जगह के ऊपर हम ग्राइंडर को लेकर जा सकते हैं। जैसे वेल्डिंग का कोई वर्क होता है, जैसे कोई गेट के ऊपर हमने काम करना है, उसके ऊपर जो ग्राइंडर हो जाता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या करना है, उसको रफनेस करना है, ऊपर से स्मूथ करना है एकदम, ठीक है, तो वो किससे करेंगे, हैंड ग्राइंडर से। हैंड ग्राइंडर कैसा होता है, एक मिनट आपको बताया जाए। ये है हमारे पास हैंड ग्राइंडर, ठीक है। ये क्या करता है, ये इसकी बॉडी है, जहाँ पे हम ग्रिप करते हैं, ये हमारे पास है ग्रिप करने के लिए, होल्ड करने के लिए, ये इसकी बॉडी दी गई है। इसमें जो बीच में जो इसको रोटेट करता है, ऐसे धीरे धीरे रोटेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर से हम इसको रोटेट करवाते हैं, ये मोटर इसको रोटेट करती है, ठीक है। जिसके ऊपर कोई भी हम कटर लगा सकते हैं, जैसे ये वाला जो हमारे पास जो कटर लगा हुआ है, वो कौन सा लगा हुआ है, वो लगा है ग्राइंडर का, ग्राइंडर कटर लगा हुआ है, कौन सा, रफनेस करने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर हम कटर ग्राइंडर भी लगा सकते हैं, जब हम किसी चीज़ को काटते हैं, ठीक है, हमने काटना होता है तो हैंड ग्राइंडर की मदद से, पोर्टेबल ग्राइंडर की मशीन से मदद से हम इसको काट सकते हैं। इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास लीड है, ये वाली इलेक्ट्रिसिटी पावर करने के लिए इसको, ठीक है। उसके बाद में ये वाला हमारे पास ग्राइंडर व्हील है, ठीक है। उसके बाद में जहाँ पर हम ग्रिप करते हैं, ये हमारे पास बॉडी है, ये इसका स्विच है, ठीक है। इसको हम टाइगर भी बोल सकते हैं, ये हमारा स्विच है जिससे हम इसको ऑन एंड ऑफ करेंगे, ठीक है, पावर देंगे इसको ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में इसके पास हमारे पास एक दो इसके छोटे छोटे दो और दो पार्ट हैं, जैसे ये हमारे पास हो गई हैंडल, ठीक है, हैंडल। इसके हम क्या करेंगे, हैंडल को लगाकर हम इसके सेफ्टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम इसकी सेफ्टी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास हैंडल है, कोई भी आगे से काटना हो, नीचे से काटना हो, राइट लेफ्ट साइड, अपर डाउन, वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल, कोई भी वर्टिकल हॉरिजेंटल किसी भी शेप में काटना हो, जो हमारे पास होता है सेफ गार्ड, जे वाला होता है हमारे पास सेफ गार्ड। इसके ऊपर हम ऐसे इसको लगाकर व्हील को पहले खोलते हैं, जे वाली होती है की, इसकी जो की होती है, इसको जे वाला जो होता है पुश बटन होता है जे वाला, इसको हम होल्ड करेंगे, जो रोटेट नहीं होगा, जो लॉक हो जाएगा, ये वाला व्हील है जो लॉक हो जाएगा, इसकी मदद से हम इसको क्या करेंगे, खोलेंगे और इसके ऊपर हम कैप लगा सकते हैं, इसकी मदद से हम इसको खोल दिया है, ठीक है। इसके ऊपर ये क्या हमारे पास लग जाएगी, सेफ्टी शील्ड लग जाएगी, सेफ शील्ड लग जाएगी, और इसके बीच में हम इसकी मदद कर सकते हैं, इसके ऊपर व्हील को लगाकर हम इसके ऊपर क्या करते हैं, वर्क कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। इसको किसी भी मटेरियल को ग्राइंड करना हो, ग्राइंड कर सकते हैं, जेकर कटर लगाना हो काटने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो कटर भी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेफ्टी हो गई, ये हमारे पास इसके ऊपर कौन सा लग गया, ये वाला ग्राइंडर, ठीक है, ये वाला हमारे पास ग्राइंडर हो गया। इसको हम इसकी की मदद से हम इसको टाइट कर सकते हैं, ठीक।
ठीक है, जी हमारा रेडी है, इसके ऊपर हम कोई भी काम कर सकते हैं ऐसे सेफ्टी करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास हैंडल है, ये हमारे पास एक गार्ड है, ये बार इसकी बॉडी है, ये वाला ग्राइंडर व्हील है, ठीक है, ये वाला जो टाइगर है इसको स्विच ही बोल सकते हैं, ऑन ऑफ करते हैं सीखते हैं, ये वाली लीड है, इसे हम क्या करेंगे, इसको पावर देंगे इलेक्ट्रिसिटी पावर की। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास आएगा सरफेस ग्राइंडर। सरफेस ग्राइंडर क्या होता है, जो हमारे पास सरफेस ग्राइंडर होता है ना, वो क्या करते हैं, इससे हम इसकी डायग्राम होती है, जो जैसे हम मिलिंग मशीन के ऊपर जहाँ कोई भी काम करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या करते हैं कि सरफेस ग्राइंडर के लिए हम कोई भी हम यूज़ करते हैं, बोर्ड यूज़ करते हैं, उसको हम रफनेस करने के लिए सरफेस ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। जैसे हमारी फैम जॉब भी है सरफेस ग्राइंडर मशीन, इसकी डायग्राम होती है, ऐसे बनाते हैं अभी सरफेस ग्राइंडर मशीन। ये कौन सी डायग्राम बन रही है, सरफेस ग्राइंडर मशीन। ये इसका टेबल है, ये बेड दिया गया है, इसको हम बेस बोल सकते हैं नीचे को, ये हमारे पास है ग्राइंडिंग व्हील, क्रॉस फीड, इन फीड, ठीक है, ये कॉलम है, ये हमारे पास है सरफेस ग्राइंडर। सरफेस ग्राइंडर मशीन, ये हमारे पास सरफेस ग्राइंडर मशीन, ये क्या करता है, ये इसके पार्ट्स है, क्रॉस फीड है, जैसे हम हॉरिजेंटल फीड देते हैं, वर्टिकल फीड देते हैं, ऐसे ही इसको टेबल की तरह से, टेबल जो हैंडल होता है उसके टेबल लगा होता है, टेबल के ऊपर हैंडल लगा होता है, हैंड व्हील लगा होता है, जिसको हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, घुमाते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो हमारी जो फीड देता है, ठीक है, इन फीड देता है इसको, जो टेबल है उसको ऊपर करने के लिए, ठीक है, हॉरिजेंटल फीड देता है, और वर्टिकल ऐसे इसको मूव करने के लिए फीड देता है, ठीक है। उसके बाद में हो गया जो हमारे पास है ग्राइंडिंग व्हील, ये क्या करता है, ग्राइंडर व्हील, अभी मैंने बताया आपको, जिसको हम ग्राइंड करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील, किसी भी चीज़ को स्मूथ करने के लिए, रफनेस करने के लिए उसको बोलते हैं हम ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। सबसे लास्ट में ऑपरेशन होता है, वो होता है ग्राइंडर का, ठीक है। उसके बाद में आ गया इसका टेबल, ठीक है, उसके बाद में आ गया इसका बेड, उसके बाद में आ गया इसका बेस जिसके ऊपर ये स्थित है, ठीक है। उसके बाद में आ गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गई सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी हम वॉइस लगा सकते हैं, इसके ऊपर वॉइस लगा सकते हैं, कौन सी वॉइस लगा सकते हैं, मैग्नेटिक वॉइस भी आती है, ठीक है, जिसे मैग्नेट चक बोल सकते हैं, उसको भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको जो मिलिंग मशीन की उसके बारे में पढ़ा था ना, मशीन वॉइस, वो भी हम इसके ऊपर फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गई सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। उसके बाद में आ जाएगा हमारे पास
टूल एंड कटर ग्राइंडर, टूल एंड कटर ग्राइंडर वो क्या होता है, टूल एंड कटर ग्राइंडर, जो टूल एंड कटर ग्राइंडर है वो क्या करता है, जिसके ऊपर हम टूल भी शार्प कर सकते हैं और किसी चीज़ को काट भी सकते हैं, ठीक है। जी इसके ऊपर ये क्या लगे हुए हैं, कटर लगे, ग्राइंडर लग भी लगे हुए हैं। एक एक साइड के हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, दो व्हील लगा सकते हैं, कटर भी लगा सकते हैं और एक ग्राइंडिंग व्हील लगा सकते हैं, एक कटर ग्राइंडिंग व्हील लगा सकते हैं। और एक इसके ऊपर हम कौन सा लगा सकते हैं, ग्राइंडिंग व्हील लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये वाला पास हो गया व्हील हेड, ये कौन सा आ गया हमारे पास, व्हील हेड। लोअर टेबल, ये हमारे पास आ गया लोअर टेबल आ गया, ये हमारे पास आ गई सैडल, ये हमारे पास आ गई सैडल, और ये हमारे पास आ गया इसका बेस, ठीक है। ये क्या करता है, व्हील रोटेट करते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करते हैं, दोनों साइड हैं ये वाले जो हमारे पास होता है, ये टेबल है, इसको हम फीड दे सकते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फीड दोनों दे सकते हैं, ठीक है, हैंड व्हील की मदद से, ठीक है। उसके बाद में सैडल लगी हुई, ये क्या करती है, इसको फीड देती है, क्रॉस फीड देती है, ठीक है। ये पास हमारे पास बेस जिसके ऊपर ये स्थित है, ये हमारे पास हो गया कटर ग्राइंडर, कौन सा हो गया, कटर एंड टूल ग्राइंडर, टूल एंड कटर ग्राइंडर, जिसके ऊपर हम टूल को शार्प कर सकते हैं और कटर को हम इस किसी भी तरह से हम इसको काट सकते हैं, ठीक है। एक हो गया, एक इसके बाद में हो जाता है इन फ्रंट ग्राइंडर मशीन। इन फ्रंट क्या होती है, जैसे इन फ्रंट होती है, जैसे किसी की बीच में हम किसी भी होल को, बोर को, किसी भी अंदर की तरह से हमें इसको क्या करना है, साफ़ करना हो, किसी भी अंदर को होल को हमने क्या करना है, साफ़ करना है। जैसे हमारे पास पिस्टन इंजन है, इंजन के बीच में जहाँ पे पिस्टन चलते हैं उसमें एक बोर होता है, उसको हमने साफ़ करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, इन्फ्रंट ग्राइंडर मशीन का हम इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, वो रोटेट करता है, जिसको हम इंटरनल ग्राइंडर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।